हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो मेंस प्रस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, जो आपको स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे यूपीएससी में, ठीक है। तो बट ये कुछ एनालिसिस के डिपेंड पे, पीवाईक्यू और करंट अफेयर के बेस पे कुछ हमने टॉपिक्स निकाले हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिए, कहीं आपका कोई टॉपिक इसमें से स्किप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत प्रीशियस है टाइम आपका। तो सबसे पहले है कि एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, ये तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसमें कोल, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करना है, इसके पीवाईक्यूज भी देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और करंट में इससे रिलेटेड क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो कुछ जो भी कुछ प्लांट्स बने हैं नए, ठीक है, या COP की जो ऐसा कुछ जो भी आपने अपने मेंस के नोट्स में ऐड किया हुआ है उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद है वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि इस बार की जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, वाटर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं। इवन हिमाचल जैसी जो स्टेट है वहाँ पे वाटर की स्कैंटी है, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी देखने को मिली है, ठीक है, तो वो आ जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट रह सकता है आपके लिए, सो उसको स्किप नहीं करना है। फिर आर्कटिक रीजन के रिसोर्सेज, ठीक है, अगेन वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब इफ़ेक्ट हो रहा है, करंट में भी रहे हैं ये टॉपिक, ठीक है, और स्टैटिक भी इम्पोर्टेंट है। सो आर्कटिक रीजन से रिलेटेड जो जो काउंसिल्स हैं, ठीक है, इसमें आपको वो सब जो भी संधि बनी हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपको सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये टॉपिक वैसे ही अब हमारे प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट रहता है, ये टॉपिक स्टैटिक में भी इम्पोर्टेंट है और करंट में भी रहता है, ठीक है। तो जैसे ग्रीन स्टील, ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आईटी इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन फैक्टर्स क्या क्या डिस्टर्ब करती है, स्टैटिक का पार्ट है, बिकॉज इस बार जियोग्राफी में उन्होंने स्टैटिक बहुत पूछा है, तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू के एनालिसिस के हिसाब से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो उसको आपको मिस नहीं करना है। और फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स हैं जो, ठीक है, जो देखने को मिली है हमें हिमालय, उत्तराखंड, ठीक है, उन एरियाज़ में, ठीक है, उनके फैक्टर्स क्या, क्योंकि लैंड स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो पीवाईक्यूज में कितनी ही बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो वो आपने देख लेनी है पॉलिसीज, ठीक है, वो सारा कुछ एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आई होप ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी देन रिसोर्सेज ऑफ द ओशन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओशन पे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उन सब में जो देखने को हमें मिलते हैं रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रह जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस जो आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको अपडेशन मिलती रहे, ठीक है। सो नाइन्थ है हमारे पास टॉपिक रिन्यूएबल एनर्जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसके आपने जो न्यू पार्क्स हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बने हैं, या COP से रिलेटेड जो भी न्यू हमारे पास आई हैं, पॉलिसीज आई हैं, ठीक है, वो सब आपने अच्छे से अपने मेंस के जो नोट्स हैं उसमें ऐड कर लेना है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है, ये कर लेना है। ओशन करंट्स और मानसून, ठीक है, इस बार का मानसून को देखते हुए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रह जाता है, ठीक है, सो मिस नहीं करना है इसको, ठीक है।
मॉनसून से रिलेटेड और भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे PYQ में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मॉनसून को अलग अलग एरियाज़ में क्या बोलते हैं, ठीक है। सो दे कैन आस्क एनी थिंग, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, ठीक है, कि वो कैसे क्वेश्चन PYQs को एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपने अभी तक रिवाइज़ नहीं किए हैं तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन वाइज जो है रिविज़न करवा देंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड काइंडली, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।